my लवली students सो इन दिस वीडियो we विल टॉक about द stereochemistry in इन reaction and sn2 रिएक्शन एंड एस एन टू रियाक्शन मैकेजम और ये एस एन वन एस एन टू की जब आप स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हो देखो स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब होता है कि किस तरह से स्पेस में अरेंजमेंट होती है किसकी मोलिक्यूल uh, की मतलब मोलिक्यूल का थ्री स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में तो हम एस मैकेनिज्म जो कि आपको पहले करवाई गई है उसमें ये चीज़ देखेंगे कि जो एटम्स की अरेंजमेंट है ड्यूरिंग द एस एन वन मैकेनिज़्म एंड द एस एन टू मकैनिज़म उसमें क्या चेंज आ रहा है कि रिएक्टेंट में अगर सर्टेन आपकी जो ग्रुप्स है कार्बन के साथ अटैच्ड वो अगर स्पेसिफिक पोजीशन में थे तो प्रोडक्ट में उनकी उनका चेंज आया या नहीं आया तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं तो फर्स्ट इज़ एस एन टू मैकेनिज्म। फर्स्टली हम एस एन टू मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज ये थोड़ी शॉर्ट होती है एस एन वन से एस एन वन थोड़ी लंबी सी मैकेनिज्म है सो so, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है स्टीरियो केमिस्ट्री दोनों की पढ़ने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन सा एल्काइल हलाइट ले रहे हो एल्काइल हलाइट मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब होता है सबसे बेसिक चीज़ कि उसमें कायरल कार्बन होना चाहिए कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है वो ऐसा कार्बन जिससे कि चार डिफरेंट आइटम्स आपके अटैचड हो देखो वैसे तो हमने एस एन वन एस एन टू जो मैकेनिज्म थी डिटेल में कर चुके हैं तो उसमें हमने स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं डिस्कस करी क्योंकि सभी जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कायरल नहीं होते है. क्योंकि देखो ये वाला अगर ये वाला एक मॉलिक्यूल है हमारा किसका एल एल्काइल हलाइड का यहाँ पर हलोजन ब्रोमीन लगा है यहाँ पर आपका हलोजन ब्रोमीन लगा है बाकी ये अल्काइल ग्रुप है लगे हुए कार्बन के साथ यहाँ पे सी एच थ्री है हाइड्रोजन है सी सिक्स एच थर्टीन है तो ये वाला जो कार्बन है दिस इज द कायरल कार्बन बिकॉज ये इसके साथ जो भी चार ग्रुप अटैच है और वो कौन से है वो डिफरेंट है सो दिस एल्काइल हलाइड इज ऑप्टिकली एक्टिव और जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं की हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं नहीं तो अगर यहाँ पर सपोज हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता तीनों जगह तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री हम इसकी पढ़ते ही नहीं तो सबसे पहली बात स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले ये दिमाग में हमेशा याद रखो कि जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स हो गए उसी की स्टीरियो केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं सो नाउ एस एन वन एस एन टू जो मैकेनिज्म हमने पढ़नी है उसमें हमने स्टीरियो केमिस्ट्री स्टीरियो केमिस्ट्री जो पढ़नी है उसमें ऑप्टिकली एक्टिव अल्काल हैलाइड लेना सो सपोज हमने एक ये ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल फेलाइट लिया और देखो यहां पे डैश एंड जो वेज है वो भी आपका ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये थ्री स्ट्रक्चर है थ्री स्ट्रक्चर बेशक है बट आपको पहले ये चेक करना होगा कि क्या कार्बन के साथ जो अटैच्ड फोर डिफरें फोर फोर जो ग्रुप्स है वो डिफरेंट है या नहीं है येस yes, यहाँ पे इस कार्बन के साथ चारों ग्रुप्स डिफरेंट है सो दिस कार्बन इज द कारल कार्बन एंड दिस होल मॉलिक्यूल इज द ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल नाउ डैश एंड वेज क्या होता है थ्री स्ट्रक्चर में डैश होता है कि अगर ये प्लेन ऑफ पेपर है इसमें एक मॉलिक्यूल बना है जो ये सिंपल जो ये लाइंस है आपको दिख रही है इसका मतलब होता है कि ये प्लेन में है ये इस पेपर में है ये जो डैश होता है उसका मतलब होता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये इस पेपर के पीछे गया हुआ है इस पेपर के अंदर गया है बॉन्ड बना रहा है कहाँ पीछे को बना रहा है इसके अंदर जाके बॉन्ड बना रहा है ऐसा और जो ये सी सिक्स एच थर्टीन है वेज का मतलब क्या होता है टूवर्ड्स यू कि ये कहाँ आ रहा है आपकी तरफ बॉन्ड बना रहा है मतलब अगर ये प्लेन ऑफ पेपर है तो प्लेन ऑफ पेपर से ये ऊपर आता हुआ आपको थ्री में दिखेगा ओके इसलिए थ्री में ऐसा इमेजिन करो तो एस आपको पता थी जो हमने पहले करी थी एस एन टू क्या होती है बायोलिकुलरिक्सिट्यूशन टू है तो ये क्या होती है ये ये होती होती है one step में ये reaction होती है में बेशक यहां पर टू है बट ये रिएक्शन वन स्टेप में होती है और आपने कहा था करा था कि ये एक ट्रांजिशन स्टेट से गुजर के रिएक्शन होती है सो so हमने ये वाला ले लिया यहां पे ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल जिसमें कि एक कायरल कार्बन आपका लगा है दैट इज़ यहाँ पर क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन है एंड यहाँ पर क्या लगा है सी सी सिक्स एच थर्टीन ये यहाँ पे ये यह चीज़ लगी है और ये इसका अगर नाम देखना हो तो इसका नाम क्या है टू ब्रोमो ऑक्टेन टू ब्रोमो टू ब्रोमो ऑक्टेन ऑप्टेन और इसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है देखो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसकी सम रोटेशन भी होगी ऑप्टिकली ऑप्टिकल रोटेशन भी होगी तो हमने देखा इसकी ऑप्टिकल रोटेशन थी नेगेटिव में मतलब ये लीवो रोटेटरी था प्लेन पोलराइज लाइट को ये लेफ्ट में रोटेट कर रहा था ये हमें पहले से पता था या फिर एक्सपेरिमेंट से हमने देखा ये आप ज़्यादा कंसर्न नहीं होना कि आपको ये पहले से पता हो ठीक है और यहाँ पर यह नेगेटिव था ना वट हैपन्स कि यहाँ पर आपकी ये जो रिएक्शन है ये वन स्टेप रिएक्शन है और न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो सपोज जो न्यूक् न्यूक्लियोफाइल आया सपोज़ वो न्यूक्लियोफाइल आपका ओ एच नेगेटिव आ रहा है न्यूक्लियो इज द ओ एच नेगेटिव जो कि अटैक कर रहा है तो उसके बाद क्या हो जाएगा जो ये ओ एच नेगेटिव है यहाँ पर कार्बन एंड ब्रोमीन क्या है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो डेल्टा नेगेटिव पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा नाउ अगर इसको अप्रोच करना है कार्बन के पास नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा इसे कार्बन के साथ जुड़ना है अगर तो ये फ्रंट से आया तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव की रिपर्शन हो जाएगी इसीलिए ये क्या करता है ये यहाँ से बैक साइड अटैक करता है ये पीछे से लग जाता है मतलब ये कहाँ से लगेगा ये यहाँ से बैक साइड अटैक करवा देगा यहाँ लिखते हैं हम बैक साइड अटैक हो रहा है बैक साइड अटैक हो रहा है न्यूक्लोफाइल का ऑन द कार्बन क्योंकि ये डेल्टा पॉजिटिव है नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा फिर उसके बाद क्या होता है ये ये एक सिंगल स्टेप ही रिएक्शन है अब यहाँ ट्रांजिशन जो स्टेट बनेगी ये जस्ट बीच में थोड़ी सी छोटी सी स्टेट बनती है जिसकी कि जो कि स्टेबल नहीं होती इसीलिए इसको सिंगल स्टेप रिएक्शन हम देखते हैं ना अब क्या करेंगे ट्रांजिशन स्टेट में आप क्या बनाओगे पहले ब्रोमीन बनाओगे ये कार्बन है और इसके साथ डैश करके आप यहाँ पर ब्रोमीन बनाओगे दैट मीन्स ट्रांजिशन स्टेट ऐसे स्टेट होती है जहाँ पे पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होते हैं और जो नया बॉन्ड हो रहा होगा वो पार्शली बनना शुरू हो जाता है तो पार्शली कौन सा बनना शुरू हो जाएगा कार्बन के साथ जो ये ओ एच OH अटैच हो रहा है तो ये पार्शली बनना शुरू हो जाएगा इसीलिए हम इसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं और जो बाकी चीज़ें आएगी जो बाकी ये चीज़ें होगी ये आपकी क्या है आएगी ये आपकी इस तरह से आ जाएगी सी एच थ्री और यहाँ पर ये हाइड्रोजन एंड यहाँ पे ये एज इट इज़ बाकी चीज़ें सी सिक्स एच थर्टीन में आप ये वाली इस तरह से लिखोगे एंड वट इज़ दिस दिस इज़ द ट्रांजिशन स्टेट दिस इज़ द ट्रांजिशन स्टेट ट्रांजिशन स्टेट ये ट्रांजिशन स्टेट है जो कि स्टेबल नहीं होती क्योंकि यहाँ पर देख लो कार्बन जो है कार्बन फाइव बॉन्ड्स बना रहा है वैसे कार्बन क्या होता है फोर बॉन्ड्स बनाता है तो क्या होगा यहाँ पर कि ये ये जो आपका है ये आगे फर्दर एक प्रोडक्ट दे देगा और ये सिंगल स्टेप ही है इसको ऐसा ना करना यहाँ से यहाँ वन स्टेप ले लिए यहाँ से यहाँ टू स्टेप मत बनाना एस एन टू जो होती है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है एंड दिस होल स्टेप इज द सिंगल स्टेप ट्रांजिशन स्टेट जो है आपकी ये आ, ट्रांजिशन uh, जो ये स्टेट है ये क्या होती है ये स्टेबल नहीं होती है। इसकी वजह से इसका बनना ना बनना एक के बराबर है तो हम ये दो स्टेप नहीं मान सकते अब क्या होगा यहाँ पर जो ये ब्रोमीन होगा वो तो बाहर को निकल जाएगा प्रोडक्ट में एंड क्या होगा बिकॉज़ यहाँ पे ओ OH एच क्या हुआ ओ OH एच ने बैक साइड अटैक किया तो यहाँ से इसकी कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी थोड़ी चेंज हो जाएगी पहले हम बना देते हैं कि क्या बनेगा यहाँ से ओ OH एच लग जाएगा क्योंकि ये पीछे से लग रहा था और ये वाली जो चीज़ें हो जाएगी ये क्या हो गया अभी तो ऐसी थी स्ट्रेट अभी तो ऐसी स्ट्रेट थी, अब वो पीछे को अब वो पीछे को चले जाएगी मतलब यहाँ से ये पीछे को जो ये ग्रुप्स थे वो पीछे को बैंड होना शुरू हो जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे अगर ये आगे को थे तो बिल्कुल एज इट इस इज इसका पीछे का ग्रुप्स को अगर ये ग्रुप्स इस तरफ को थे अगर ये ग्रुप्स यहाँ पर इस तरफ को थे तो दूसरी तरफ इस तरफ को हो जाएगा तो ये ग्रुप्स हमने दूसरी डायरेक्शन में बना देने हैं तो ये यहाँ पर आपका एक प्रोडक्ट हो जाएगा देखो होता क्या है यहाँ से समझो सपोज़ ये है यहाँ पे आपकी रिएक्शन हो रही थी ऐसा था आपका पहले कि इस तरह से मान लो कि ऐसा था रिएक्शन रिएक्शन आपकी इस तरह से थी मतलब ये वाला ये कार्बन है ये कार्बन है ये वाली चीज़ बता रही हूँ मैं ये क्या थी आपकी यहाँ इधर पीछे को ग्रुप्स थे यहाँ पे यहाँ पर पीछे को ग्रुप्स थे यहाँ पर आपका एक ब्रोमीन था अब क्या हुआ ओ OH ने क्या करा ओ OH ने बैक साइड से अटैक किया क्योंकि आगे से क्या था आगे से अगर मैं ये बताऊँ आगे से क्या था आगे से आपका ब्रोमीन था दिस इज़ द ब्रोमीन ओके okay. और इस तरह से कह लो जो ये ग्रुप्स थे ये पीछे की तरफ बैंड हुए थे जैसे मेरी उंगलियाँ बैंड हुई हुई है अब क्या होगा जो ओ OH होगा ओ एच OH कहाँ से आएगा ओ एच OH यहाँ से तो आगे से तो अटैक नहीं करेगा कार्बन को ओ एच OH कहाँ से करेगा पीछे से अटैक करेगा जब पीछे से अटैक करेगा तो ये जो ये जो आपके इधर को ग्रुप्स आए हैं अब क्या होगा बाय द टाइम कि ब्रोमीन हट जाएगा और जो ये ओ OH एच है वो डायरेक्टली यहाँ कार्बन से अटैच हो जाएगा एंड बाय द टाइम अगर ये अटैच हो रहा है ओ एच ओ एच अटैच हो रहा है कार्बन से तो जो कार्बन के साथ ग्रुप है वो धीरे 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 इस तरह से दूसरी तरफ को बेंड होना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब यहाँ पर इन्वर्जन हो रही है कॉन्फिग्रेशन की क्योंकि पहले जो ये कार्बनस थे पहले इस तरह से थे, कार्बन के साथ जो ग्रुप्स थे वो इस तरह को खुले हुए थे। ये जो ग्रुप्स है, वो इद, को खुले है तो हमने ऐसे बनाया और यहां पर क्या हुआ कि जब OH यहां से आए, पे ब्रोमीन था यहां पर ब्रोमीन था तो ओ OH एच ने यहां से अटैक किया जब बैक साइड से अटैक किया तो ये ग्रुप्स क्या हुए ट्रांजिशन स्टेट में पहले तो बिल्कुल सीधे हो गए ट्रांजिशन स्टेट में पहले सीधे हुए उसके बाद ये पीछे को बेंड करना शुरू कर गए मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा तो आप देख सकते हो कि इस और इस चीज़ में आपको क्या लग रहा है कि ग्रुप्स इस वाले मॉलिक्यूल में ग्रुप्स इधर को खुले हैं इस वाले मॉलिक्यूल में ग्रुप्स आपके इधर को खुल गए हैं तो एक तरह से ये इन्वर्जन हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन का जैसे कि आपका अम्ब्रेला खुलता है अम्ब्रेला एक आपका इस इस तरफ को होता है विंड आती है तो आपका अपसाइड डाउन हो जाता है ऊपर को खुल जाता है उसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा है एंड दिस इन्वर्जन इज़ नोन एज द वॉल्डन इन्वर्जन जैसे कि अम्ब्रेला में अम्ब्रेला अपसाइड डाउन हो जाता है जब आपकी स्ट्रांग विंड आती है तो वही मतलब है कि यहाँ यहाँ पर आपके जो ग्रुप्स थे वो इस तरफ को खुले हुए थे और एस इन टू में जब आपका प्रोडक्ट बनेगा तो वो ग्रुप दूसरी तरफ को आ जाएगी और इन्वर्जन इन कॉन्फिग्रेशन इन का क्या मतलब है कॉन्फिग्रेशन होता है कि एटम की अरेंजमेंट कैसी है कि एटम किस अरेंजमेंट में लगे हैं स्पेस में तो यहाँ पे अरेंजमेंट हम बोल रहे हैं जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हुई है यस yes, ये बिल्कुल सही है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में जो ये एटम्स है अभी ये इस तरह से लगे हैं इस तरफ को अब यहाँ पर एटम्स है यहाँ पे एटम्स दूसरी तरह से लगे हैं और बिल्कुल ये इसका इन्वर्टेड इन वे में लगे हैं इसीलिए ये प्रोसेस कहा जाता है इन्वर्जन और जो ये इन्वर्जन वगैरह देखा जाता है सिर्फ़ और सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स में ही देखा जाता है जहाँ पर कि आपका क्या है अल्काइल हेलाइट क्या है ऑप्टिकली एक्टिव है दैट मींस वो मॉलिक्यूल जिसके पास जिसके कार्बन के पास चार डिफरेंट ग्रुप्स हैं वहीं पे आप ये इन्वर्जन वगैरह चीज़ें देखते हो सपोज़ अगर ऐसा होता कि यहाँ पर ब्रोमीन की जगह ओ एच लग जाता और बाकी की ये जो एट जो आपके ये ग्रुप्स है तीन ग्रुप्स हैं वो एज इट इज़ इस तरफ को ही खुले रहते तो ऐसा अगर प्रोडक्ट बनता तो आपका क्या कहलाता वो वो रिटेंशन प्रोडक्ट होना था बट एस एन टू में पिकेस यहाँ से फ्रंट साइड से ये अटैक नहीं कर सकता ओ OH, एच जो न्यूक्लियो फाइलर फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर सकता ड्यू टू द हिंड्रेंस तो इसे बैक साइड अटैक करना पड़ता है बैक साइड क्योंकि ये अटैक कर रहा है एस एन टू मैकेज़म में इसी वजह से ये जो ग्रुप्स है इनका इन्वर्जन हो जाता है तो आपको एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है जो कि यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट है दिस इज़ द ऑक्टेन ऑक्टेन टू ओल क्योंकि अब अल्कोहल लग गया और यहाँ पर नेगेटिव था एंड यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है अगेन ऐसा नहीं है कि इन्वर्जन में हमेशा नेगेटिव का पॉजिटिव होता है अगेन बात बता रही हूँ मैं आपको कॉन्फिग्रेशन का कोई रिलेशन नहीं है ऑप्टिकल रोटेशन के साथ ये आपको कैसे पता चलेगी ये आपको बाय एक्सपेरिमेंट पता चलेगी ज़्यादा इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है ना यही लिखा गया है वेन द ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हेलाइड इस अटैप्ड बाय अलियोफाइल ओ एच नेगेटिव बाय द एस इंटू मैकेनिज्म द प्रोडक्ट विल हैव इन्वर्टेड कॉन्फिग्रेशन आपको इन्वर्टेड कॉन्फिग्रेशन मिलेगी एज कंपेयर टू रियाक्टेंट रिएक्टेंट के विध रिस्पेक्ट में आपको एक इन्वर्टेड कॉन्फिग्रेशन मिलेगी बिकॉज हेयर एसन टू में क्या होता है जो न्यूक्लियोफाइल होगा विल अटैक फ्राम द अपोजिट साइड विध रिस्पेक्ट टू द हलोजन हलोजन के अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा इसी की वजह से क्या हुआ है ये इन्वर्जन हो गया कॉन्फिग्रेशन का ड्यू टू रिपल्शन और क्यों क्यों नहीं यहाँ से फ्रंट साइड से अटैक किया क्योंकि ब्रोमिन जो हलोजन है और जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिव नेगेटिव इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगी ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द हलोजन एंड द न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो बैक साइड से अटैक करेगा और बैक साइड से अटैक करने की वजह से कॉन्फिग्रेशन पूरी उल्टी होगी इन्वर्जन हो गया तो अब आते हैं हम यहाँ पर इसके कंक्लूजन में कि एस एन टू रिएक्शन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव अल्काइल हलाइड आर अकम्पनेड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन मतलब एस एन टू रियाक्शन अगर ऑप्टिकली एक्टिव अल्कल हालाइट की आप देख रहे हो तो उसमें हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा और इन्वर्जन कैसे होता है इन्वर्जन इज़ लाइक एन अम्ब्रेला कि अभी अम्ब्रेला इधर को खुला है इन्वर्जन हो गया अम्ब्रेला उधर को खुल जाएगा उसी तरह से कॉन्फिग्रेशन अभी कार्बन के अराउंड इस तरफ को है अभी इस तरफ को होगी दिस इन्वर्जन इज़ नोन एज द वॉल्डन इन्वर्जन और इस इन्वर्जन को आप वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हो नाउ अब बात करते हैं हम एस एन वन मकैनिज़म में कि एस एन वन मकैनिज़म में स्टीरियो केमिस्ट्री क्या रहेगी जैसे कि एस एन टू में हमने ये कहा था कि एस एन टू में क्या होता है इन्वर्जन होता है कॉन्फिग्रेशन का और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है सो एस एन वन मकैनिज़म की बात करते हैं कि न्यूक्लोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अगर हमारी एस एन वन मकेनिज्म से होती है तो क्या होता है एस एन वन मकेानिज़म का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मतलब जिसमें यूनिमोलिकुलर मतलब जो रेट है वो एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो कि पहले आपको पूरी तरह से अच्छे से डिस्कस करा है नाउ दिस इज द टू स्टेप रिएक्शन बिकॉज यहाँ पर वन है तो उसका उल्टा करना है कि ये जो रिएक्शन होगी वो दो स्टेप में कंप्लीट होगी और एस एन टू जो होती थी वो ओनली वन स्टेप में कंप्लीट हो जाती थी तो जो दो स्टेप है वो लिखते हैं हम एक है जनरेशन ऑफ कार्बोकोटाइन दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बोकोटाइन सो जनरेशन ऑफ कार्बोकोटाइन हमें करनी है तो हमने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले लिया यहाँ पर हमने अलग मॉलिक्यूल ले गए वो पहले वाला भी ले सकते थे बट यहाँ पर एक चलो अलग मॉलिक्यूल ले लेते हैं यहाँ पर ब्रोमीन लगा है यहाँ पर आपका क्या है हाइड्रोजन लगा है डैश में और वेज में क्या लगा है वेज का मतलब जो कि आपकी तरफ आ रहा है ऐसे वो लगा है यहाँ पे सी एच टू सी एच थ्री डैट इज़ द इथाइल ग्रुप सी एच टू सी एच थ्री इथाइल ग्रुप ना इसकी हमने इसकी हमने ये हमारे पास एक अल्काइल हलाइट है इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करवानी है ओ एच नेगेटिव के साथ तो जैसे अगर हम कहें तो रिएक्शन क्या है अगर मैं रिएक्शन लिखूँ ये तो मैकेनिज्म है अगर रिएक्शन हम लिखना चाहे तो वो रिएक्शन क्या है यहाँ पर सी एच थ्री है यहाँ पर आपका ब्रोमीन है यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है और आपकी तरफ आ रहा है सी एच टू सी एच थ्री और उसकी रिएक्शन करवानी है हमने ओ एच नेगेटिव के साथ तो इसका यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रही है इसका मकैनिज्म हम यहाँ पर कर रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है वो दो मकेनिज्म से हो सकती है SN2 टू एंड एस अब हम SN1 एन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो भी उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री तो स्टेरियो केमिस्ट्री के लिए हमें ऐसा मोलिक्यूल लेना था जिसमें कि कारियल कार्बन हो तो नाउ दिस इज द कारियल कार्बन क्योंकि ऑल फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट सो इन द फर्स्ट स्टेप अगर आपको याद होगा तो क्या होता था फर्स्ट स्टेप आपका स्लो स्टेप भी होता था और रिवर्सिबल स्टेप होता था स्लो स्टेप होता था तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता था और स्लो स्टेप होता था उसमें क्या होता था कि ब्रोमीन जो था ब्रोमीन आपका बाहर निकल जाता था ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा एंड यहाँ पर एक कार्बोकाटाइन बन जाएगा तो कार्बोकाटाइन हम कैसा बनाएंगे सी एच थ्री यहाँ पर आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका सी एच टू सी एच थ्री एंड ब्रोमीन अगर नेगेटिव लेके चला गया तो कार्बन के क्या पास क्या बचा कार्बन के पास आपका पॉजिटिव बच गया तो दिस इज द कार्बोकटाइन कार्बोकटाइन क्यों क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है कार्बोकटाइन कार्बोकेटाइन कार्बन के ऊपर केटाइन है इसीलिए कार्बोकोटाइन कहा जाता है तो दिस इज द इंटरमीडिएट और इसमें इंटरमीडिएट भी बनते हैं एस एन वन रिएक्शन में नाव अब जो ये क्योंकि कार्बोकोटाइन एक कार्बोकोटाइन आपका बन गया है तो कार्बोकोटाइन का आपको ये पता होना चाहिए ये एस पी टू हाइड्रेटाइज होता है और हाइब्रिडाइजेशन ऐसे कैसे पता चलती है कार्बन की सिग्मा बॉन्ड्स आपको कैलकुलेट करने पड़ते हैं सिगमा बॉन्ड्स कौन से होते हैं सिंगल बॉन्ड तो ये कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है वन टू एंड थ्री थ्री बना रहा है तो एस पी टू आता है क्योंकि वन प्लस टू इक्वल्स टू थ्री एस का एस के ऊपर वन है पी के ऊपर टू है उसको ऐड करो तो थ्री ही आ रहा है और थ्री ही सिंगल बॉन्ड से इसीलिए एस पी टू हो गई एस पी टू है तो इसका मतलब एस पी टू जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो आपके बॉन्ड बनाने में लग गए अगर इतना नहीं समझ आ रहा तो ये समझ लो एस पी टू में एक आपका अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल रहता है क्योंकि आपका कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री होती है तो एस पी थ्री में से एस पी टू आपकी यूज हो गए एक पी ऑर्बिटल बच गया यहाँ तक तो क्लियर था जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ठीक है दूसरे में क्या होगा न्यूक्लोफिलक अटैक होना है कार्बोकेटाइन पे तो हमने ये कार्बोकेटाइन जो है हमने ये कार्बोकेटाइन बनाया तो इसे ये देखो एक तो ये क्या है कार्बोकेटाइन क्या होगा ये sp2 होगा और ये क्या है ये प्लेनर होगा मतलब ये प्लेनर प्लेनर है मतलब एक प्लेन में मतलब ये जो पूरा कार्बोकाटाइन है वो कुछ ऐसा होगा कि ये प्लेनर है कोई ऐसा ऐसा बिल्कुल ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं है कि इसके जो बॉन्ड्स है ये ऊपर को लगे हैं नीचे को लगे बिल्कुल प्लेनर है अगर ये कार्बन है तो तीन बॉन्ड कैसे बना रहे है? एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ यहा। मतलब ये जो कार्बोकाटाइन स्पीशीज़ है ये प्लेनर होती है प्लेनर होने की वजह से दो पॉसिबिलिटी आती है अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इसके ऊपर से भी आप अटैक कर सकते है और नीचे से भी इजीली अटैक कर सकता है क्योंकि यहां पे इसको कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है कोई रोकने वाला नहीं है क्योंकि ये खुद, ये 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 मॉलिक्यूल खुद क्या क्या है ये प्लेनर है प्लेनर तो अब क्या करेगा कि जो ये आपका, जो ये आपका आपका न्यूक्लियोफाइल है अब ऊपर से भी अटैक कर सकता है यहां से भी लग सकता है और नीचे जाके भी अटैक कर सकता है क्योंकि दोनों साइड प्लेन है स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो इसी की वजह से यहां पर अब एस एन वन मकैनिज्म में दो आपके पास दो प्रोडक्ट मिलते हैं तो पहले हम इससे बना देते हैं दिस इज द कार्बो कोटाइन तो कार्बो कोटाइन कैसे बनाओगे यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे हाइड्रोजन सी एच थ्री एंड सी एच टू सी एच थ्री ना यहाँ पर क्या होगा इस तरह से बीच में क्या है बीच में कार्बन है तो यहाँ पे ये बॉन्ड्स बना रहा है इसके साथ ये टिल्ट करके भी आप लिख सकते हो और आपको पता है बिकज़ ये जो कार्बोकोटाइन होता है एस पी टू हाइड्रेडाइज है एस पी टू हमने सीखा कि किस वजह से है एस पी टू तो हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ है इसके पी के दो ऑर्बिटल यूज है एक जो ऑर्बिटल है वो आपका अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है अनहाइब्रिडाइज्ड मतलब जिसका अभी तक यूज़ नहीं हुआ है तो इसे कैसे बना सकते हैं अगर सपोज मैंने ये बनाया ये डैश क्यों बता रही हूँ जस्ट ये बताने के लिए कि ये तीनों एक ही प्लेन में लाइ कर रहे मतलब अगर ये मैंने बुक ले ली तो इसमें कार्बन यहाँ यहीं पे लगा है और इसी प्लेन में सी एच थ्री ऐसे नहीं है कि इस प्लेन से ऊपर को कोई सी एच थ्री लगा है या इसके नीचे लगा है इसी प्लेन में तीनों बॉन्ड्स है आपके तो जो ये ब्लैक से बताया है इसका मतलब ये है कि तीनों एक ही प्लेन में है अब क्या बता रहे हैं यहाँ इस कार्बन के पास एक पी ऐसा वेकेंड है जो कि हाइब्रिडाइजेशन में जिसका यूज़ नहीं हुआ है तो उस पी को उस पी को हम यहाँ पर बनाते हैं जो कि आपके एन सी आर टी में भी बनाया गया है बनाया तो इस इस तरह से है पर समझो इसको इस तरह से कि ये जो आपका आ, जो आपका ये प्लेन है जो डॉट डॉट से मैंने बताया कार्बोकोटाइन प्लेनर है तो इस बीच में क्या है सपोज बीच में आपका कार्बन है और यहाँ पे वन टू एंड थ्री आपके ये बॉन्ड्स लगे हुए हैं सी एच थ्री हाइड्रोजन एंड सी एच टू सी एच थ्री अब क्या होगा यहाँ पर कि जो ये अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल बोल रहे हैं इसके लोब क्या हो गए इसके लोब एक यहाँ ऊपर निकला होगा और दूसरा लोब नीचे को निकला होगा जो ये लोब्स बताए हैं वो प्लेन के ऊपर और नीचे हैं क्योंकि कार्बन के पास एक पी ऑर्बिटल है जो कि अनहाइब्रिटाइज है और पी ऑर्बिटल किस तरह से होगा एक एक लोब उसके ऊपर होगी मतलब इस प्लेन से ऊपर होगी यहाँ गोल करके और एक नीचे को बनी होगी तो क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर क्या है वेकेंसी है अब क्या होगा जो ओ एच नेगेटिव है उसके पास दो तरीके हैं ओ OH एच नेगेटिव जो कि आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अब ऊपर से भी आ सकता है मतलब क्या है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और ये देना चाहता है किसी को और यहाँ पे इसके पी ऑर्बिटल क्या है खाली है खाली है तो ये ऊपर से भी आ सकता है और ये नीचे से भी आ सकता है अगर आपने ये ऑर्बिटल के उसमें नहीं समझना तो जस्ट ये समझो कि ये एक प्लेनर है ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है तो ओ एच नेगेटिव जो है वो इसके पॉजिटिव को ऊपर से भी अप्रोच कर सकता है ऊपर से भी अप्रोच कर सकता है ओ एच नेगेटिव और क्या है और ये नीचे से भी अप्रोच कर सकता है ओ एच नेगेटिव दोनों तरीक़ों से अप्रोच कर सकता है बट ये ऑर्बिटल का बताने का मतलब है कि एक्चुअल में अंदर यही चीज़ हो रही होती है आपके एनसीईआरटी में भी ये गिवेंट तो क्या है कि यहां पर अगर ऊपर से ऊपर से न्यूक्लियोफाइल कार्बन को अप्रोच करता है तो अलग प्रोडक्ट बनता है और अगर नीचे से अप्रोच करता है तो वो अलग प्रोडक्ट बनता है इन टर्म्स ऑफ द कॉन्फिग्रेशन एटम्स के अरेंजमेंट दोनों ही केसेस में अलग अलग हो जाएगी और दो केसेस आपके इसीलिए बने क्योंकि ये प्लेनर है सबसे बड़ी एडवांटेजेस जो कार्बोकोटाइन की होती है एस एन वन मैकेनिज़म में वो ये ये प्लेनर है तो आपको अटैक के लिए न्यूक्लियोफाइल को अटैक के लिए ये दो साइड्स प्रोवाइड करते हैं एक टॉप से एक बॉटम से तो इसी वजह से यही रीज़न है कि इसके आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे अनलाइक एस एन टू रिएक्शन जिसमें कि सिर्फ आपका एक ही प्रोडक्ट मिलता था अब यहाँ पर ओ OH एच कर रहे हैं यहाँ पर ओ एच नेगेटिव आ रहा है न्यूक्लियोफाइल अब फर्स्टली सपोज़ ये ऊपर से अटैक कर रहा है तो ऊपर से जब अटैक करेगा तो आपका ये प्रोडक्ट जो होगा वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा ये जो प्रोडक्ट होगा आपको इस तरह से ऊपर से अटैक कर रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पर ओ OH एच लगा होगा यहाँ पर ओ OH एच लगा होगा और यहाँ पर आपका सी एच थ्री सी एच थ्री और ये वाली चीज़ एज इट इज़ होगी मतलब ये वाली चीज़ें आपके एज इट इज़ लगी होगी यहाँ पर ठीक है जो ये ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रुप्स हैं वो आपने एज इट इज़ ड्रा करने हैं ऊपर से अटैक कर रहा है सी एच टू सी एच थ्री ऊपर से अटैक कर रहा है या कुछ भी एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी आएगी जो बिल्कुल आपकी रिएक्टेंट से जहाँ से आपने स्टार्ट करा है बिल्कुल उसी से मिलती जुलती होगी और दूसरी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होगी जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगी रिएक्टेंट की मतलब ओएच एच यहाँ का यहाँ बैक साइड से अटैक कर रहा होगा और यहाँ पर जो जो आपके ये एटम्स है वो क्या करेंगे वो दूसरी साइड को शिफ्ट हो जाएंगे जैसे एस एन टू में हुए थे तो यहाँ पर अगर सी एच थ्री एच और सी एच थ्री सी एच थ्री इस तरफ को है तो दूसरे केस में वो सारे जो ग्रुप्स होंगे वो दूसरी तरफ को खुल जाएंगे तो सी एच थ्री अगर इधर को है तो हम सी एच थ्री इधर को लगाएंगे और अगर हाइड्रोजन इधर है तो हाइड्रोजन दूसरी तरफ को लगा दो इधर है तो इसको भी दूसरी साइड को शिफ्ट कर दो सी एच टू सी एच थ्री क्योंकि क्या होता है आपको आ, बस आपने यहाँ तो इतना ही समझना है कि ऊपर से एक ऊपर से अटैक होगा एक नीचे से अटैक हो, होगा कुछ भी हो सकता है बट क्या है कि दो इसकी वजह से आपको दो प्रोडक्ट देखने को मिलेगी एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसकी कॉन्फ़िगरेशन अराउंड द कारल कार्बन बिल्कुल सेम होगी जहाँ से आपने स्टार्ट किया है जैसे कि ये यह, यहाँ पर जो एटम्स है वो इस तरफ को खुले हैं तो यहाँ पर भी एटम्स इस तरफ को खुले हैं और सिर्फ ब्रोमीन की जगह ओ एच रिप्लेस हो गया है दूसरे केस में क्या हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन से इसका मतलब अटैक हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ओ एच OH यहां पर लग जाएगा बाकी जो सारे जो ग्रुप्स थे इधर को लगे हुए थे इसमें इधर को लगे हुए थे ग्रुप्स अब इसमें क्या हो गए इसमें ये इधर को लग जाएंगे बस आपको ये ख्याल रखना है तो अगर ये सेम है ये जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट की कॉन्फिग्रेशन के सेम बना है तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहते हैं ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट रिटेंशन प्रोडक्ट ये रिटेंशन प्रोडक्ट है रिटेंशन में क्या होता है जिसमें कि कॉन्फिग्रेशन सेम रहे एज द स्टार्टिंग मॉलिक्यूल जो कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है वही उसकी कॉन्फिग्रेशन उतनी ही रहे जितने कि आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की है यहाँ पे भी कॉन्फिग्रेशन वही है यहाँ प्रोडक्ट में भी कॉन्फिग्रेशन सेम आ रही है तो ये प्रोडक्ट कौन सा होगा रिटेंशन प्रोडक्ट होगा बट यहाँ पर अलग है कॉन्फ़िगरेशन दोनों में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में अलग है कॉन्फ़िगरेशन इनफ़ैक्ट इन्वर्टेड है उल्टी हो गई है तो ये जो प्रोडक्ट मिलेगा इसे कहते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट दिस इज़ द इन्वर्जन प्रोडक्ट तो इसका मतलब एस एन टू में आपने ये एस एन वन में आपने ये सीख लिया है कि आपको दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं एक रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है एक इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है और क्या होता है ये इक्वी मोलर कॉन्सेंट्रेशन में आपको मिलता है मतलब ये फिफ्टी फिफ्टी मिलता है जितना ये बनेगा उतना ही ये बनेगा क्योंकि जितनी ऊपर से अटैक करने की पॉसिबिलिटी है उतनी ही नीचे से अटैक करने की पॉसिबिलिटी है तो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट अमाउंट में ये आपको मिलते हैं तो ऐसे जिसमें 50 परसेंट रिटेंशन प्रोडक्ट मिले 50 परसेंट इन्वर्जन प्रोडक्ट मिले ऐसा पूरा जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है रेसमिक मिक्सचर तो इसका मतलब एस एन वन मैकेजम में आपको एक रेसमिक मिक्सचर मिलता है और दूसरी चीज़ ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको या तो डेक्स रोटेट करेगा या लिवल रोटेट करेगा अब वो हमें नहीं पता कि कौन सा क्या रोटेट करेगा बट ये तय है अगर ये दोनों तो एक रिटेंशन एंड इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहे हैं तो एक में पॉजिटिव साइन होगा रोटेशन का एक में नेगेटिव साइन होगा ऑप्टिकल रोटेशन का तभी तो वो रिसमिक पिक्चर बनेंगे तो ये बात हमने इससे ये सीखी फिर से मैं ये रिपीट कर देती हूँ आपको इसमें क्या हो रहा है एस एन वन मकैनिज़म में आपका टू स्टेप होता है पहले कार्बोकेटाइन जनरेशन होती है बी अन नेगेटिव निकल जाएगा कार्बोकेटाइन बनेगा अब कार्बोकेटाइन की खास बात ये क्या है ये प्लेनर होता है एक ही प्लेन में होता है और एस पी टू इसकी हाइब्रिडाइजेशन है इसका मतलब एक जो पी ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रेडाइज रहेगा मतलब जो कि बॉन्ड बनाने में यूज़ नहीं हो रहा है अब ओ एच नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल आना था पॉजिटिव के पास उसके दो तरीके हो गए हैं क्योंकि ये प्लेनर है ऊपर से भी अटैक कर सकता है नीचे से भी अटैक कर सकता है इसी वजह से हमारे पास दो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं तो अब क्या है अब एक प्रोडक्ट ऐसा बनेगा जिसमें कि कॉन्फिग्रेशन की रिटेंशन होगी जो कॉन्फिग्रेशन रिएक्टन की है वही कॉन्फिग्रेशन है कॉन्फिग्रेशन का कॉन्फिग्रेशन को ज़्यादा टिपिकली ना सोचा करो कॉन्फिग्रेशन जस्ट ये होती है कि एटम्स किस तरह से अरेंज है थ्री में थ्री डी थ्री डी स्पेस में आपके एटम्स किस तरह से अरेंज है दैट इज़ द कॉन्फिग्रेशन द कॉन्फिग्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर सेम तो ये वाला प्रोडक्ट रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा अगर डिफरेंट हो, हो गया जैसे इन्वर्जन हो गया अम्ब्रेला की तरह सोचो इधर को खुला है अभी उधर को खुल गया जैसे कि यहाँ तो ये इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा और ये फिफ्टी फिफ्टी परसेंट बनते हैं और होल जो ये मिक्सचर होगा दिस प्लस दिस का वो एक रेस्पेक्ट मिक्सचर होता है और दूसरी चीज़ कि ऑप्टिकल रोटेशन दोनों की दोनों की क्या होती है ऑपोजिट अगर ये प्लस साइन इसमें होगा तो इसमें नेगेटिव होगा इसमें नेगेटिव होगा तो इसमें पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब आपको रेस्मिक मिक्सचर मिला नाउ स्टेप वन में ऑप्टिकली एक्टिव जो अल्काइल हलाइड है वो प्रोड्यूस कर रहा कराए कार्बोकेटाइन और कार्बोकेटाइन प्लेनर है और एसपी टू हाइब्रिडाइज है स्टेप टू में क्या हो रहा है सिंस कार्बोकेटाइन प्लेनर है सो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक इन टू वेज वन अटैक इज फ्रॉम द अबव एंड अदर अटैक इज फ्रॉम द बैक या फिर फ्रॉम द बॉटम बॉटम से आपका अटैक हो सकता है या फिर टॉप से हो सकता है दो पॉसिबिलिटी है सो वी विल हैव द टू प्रोडक्ट सो हमें दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे एक प्रोडक्ट क्या होगा वह फर्स्ट प्रोडक्ट आपका कैसा होगा जिसमें कि जो ओ OH एच है न्यूक्लियोफाइल है वो सेम पोजीशन से अटैच होगा जहाँ से कि पहले हलाइड आयन है या फिर इस तरह से भी आप सीख सकते हो कि एक प्रोडक्ट ऐसा बनेगा जिसमें कि आपको सिर्फ बी आर से सिर्फ क्या हटाना है ओ एच बी आर से रिप्लेस करना है ओ एच को बाकी कॉन्फिग्रेशन बिल्कुल सेम होगी देखो जैसे ये कॉन्फिग्रेशन है बिल्कुल सेम थी बी आर की जगह ओ एच लगेगा क्योंकि कहीं ना कहीं ओ एच यहाँ से अटैक कर रहा था और दूसरे में क्या हो गा कि जो आपका ओ OH एच है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा वही बात बताई है सेकेंड प्रोडक्ट आपका कौन सा बनेगा इन विच जो ओ OH एच है वो कहां से अटैच हो रहा है अटैचिंग ऑन द ये अटैकिंग नहीं है ये अटैचिंग है कहां अटैच attach हुआ अटैचिंग ऑन द अदर ऑपोजिट साइड ऑफ द हलाइट जहाँ पर हलाइट पहले था उसके ऑपोजिट साइड से अटैच होगा ऐसा प्रोडक्ट आपको दूसरा देखने को मिलेगा जो कि इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा सो इन एस एन वन एस एन वन में आपने क्या सिखाई है आपका रिजल्ट है अब यहाँ पर फॉर द एस एन वन ये आपका रिजल्ट है फॉर द एस एन वन कि आपका वन प्रोडक्ट देखो दो प्रोडक्ट मिलेगा एक प्रोडक्ट आपका रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट एंड एक प्रोडक्ट आपको इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा और दोनों की जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो अपोजिट होगी और क्या होगा एस एन वन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसे रेसमिक मिक्सचर कहा जाता है इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि एस एन वन में हमें रेसमिक मिक्सचर मिलता है या तो ऐसे बोल लो या फिर ऐसे बोल लो कि एस एन वन में हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं एक रिटेंशन होता है प्रोडक्ट दूसरा इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है और दोनों में आपको पता है जो रेसमिक मिक्सचर है वो क्या होता है रेसमिक मिक्सचर आपका ऑप्टिकल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है मतलब जो आपका एस एन वन में आपको मिक्सचर मिलेगा वो ऑप्टिकली वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा इन एक्टिव होगा और एस एन टू में जो आपके पास बनता था वो ऑप्टिकली एक्टिव होता था और रिटेंशन प्रोडक्ट में क्या होगा अगर ये पॉजिटिव अगर इसमें साइन होगा अगर ये डेक्स होगा तो ये लीवो होगा ये लीवो होगा तो ये डेक्स्ट्रो होगा ताकि ये ऑप्टिकल रोटेशन एक दूसरे को कैंसिल करे और नेट आपको ऑप्टिकल रोटेशन कुछ दे ही ना क्योंकि रेसमिक पिक्सर में क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि रेसमिक पिक्चर क्या होता है इक्वी मोलर ऑफ द डेक्सट्रो एंड द लीवो या फिर इक्वी मोलर ऑफ द रिटेंशन प्रोडक्ट एंड द इन्वर्जन प्रोडक्ट क्योंकि इक्वी मोलर इक्वल अमाउंट में अगर ये दोनों प्रोडक्ट है और एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो वो कैंसिल कर देता है ऑप्टिकल रोटेशन को और एट लास्ट एस एन वन में आपको रेसमिक पिक्चर देखने को मिलेगा जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा सो दैट्स ऑल फॉर टुडे कि आपने आज क्या सीखा स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटिट्यूशन रिएक्शन सीखा आपने और इसी यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने ये इन्वर्जन सीखा था रिटेंशन क्या होता है रेसमिक मिक्सचर क्या होता है और किस तरह से अटैक करता है ये सारी चीज़ें हमने ऑप्टिकल प्लेन पोलराइस लाइट क्या होती है इसीलिए लिए यहाँ तक आने के लिए यहाँ तक इन सब बातों को सीखने के लिए हमने वो टर्म स्टीरियो की समझी थी तो लास्ट में रिजल्ट हमारा क्या आया कि एस में में आपको मिलेगा, SN2 में आपको मिलेगा, मिलेगा, और एस एन वन में आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर देखने को मिलता है सो थैंक यू सो मच नेक्स्ट में हम एस एन वन एंड एस एन टू के बीच में डिफरेंस करेंगे